हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद तौफीक अहमद फिर एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एकोमोडेशन यहाँ पे कैसे खोजना है या बुक करना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जब तक आपका प्लेस कंफर्म नहीं होगा आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास लगेज होगा, आप बहुत थके होंगे, आपको बहुत और भी चीज़ यहाँ पर आगे करना है, BRP ये सब कलेक्ट करना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर खाना वगैरह आपका, तो ये सब मैटर करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे यहाँ पे आप एकोमोडेशन इजीली अपने कंट्री से बुक कर सकते हैं या खोज सकते हैं, और कौन सा सही प्लेटफॉर्म रहेगा, कौन सा सही वे रहेगा जिससे आप सेविंग भी कर पाए और आप अपने पसंद के एकोमोडेशन खोज पाए। तो चलिए उस रिलेटेड बात करते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है वो है यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन। मैं उसी को रिकमेंड करूँगा जो मतलब स्टडी पे फोकस करना चाहते हैं, जिनका स्टडी ज़्यादा प्रायोरिटी है, उनका मॉड्यूल टफ है या मॉड्यूल ज़्यादा है या क्लासेस ज़्यादा है, तो ऑन कैंपस स्टूडेंट अकोमोडेशन अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप पे ज़्यादा फोकस स्टडी पे करना है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव या जो कोई रहते हैं पहले से, तो आप उनसे पहले बात कर ले कि मैं आ रहा हूँ, मुझे एक हफ्ते के लिए देंगे, एक महीने के लिए एडजस्ट करेंगे, या पूरे साल, या जब तक आपका कोर्स है या तब तक वो एडजस्ट करेंगे, तो उस हिसाब से आप बात कर लें। और उनसे पहले पैसा का ही बोल दे कि मैं पैसा दूंगा, ऐसा लेकिन फ्री में रहूँगा, क्योंकि क्या है ना यहाँ पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात कि अपने कंट्री की तरह सबके पास ज़्यादा रूम है नहीं कि चार चार पाँच पाँच रूम में चलो भाई आके रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है ना, अगर आप खुद से नहीं बोलेंगे कि मैं पैसा दूँगा, मैं भी आपका हेल्प करूँगा, तो वो लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं रहने से भी, आप वो नहीं बोलते। तो इसलिए आप पहले खुद से बोल दें कि मैं पैसा भी दूंगा। तो तीसरा जो ऑप्शन आपके पास वो है प्राइवेट एकोमोडेशन। यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है, एम्बर है, लिविंग स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी लिविंग, ये सब में आपको इजीली मिल जाएगा, और इनका बहुत अच्छा सर्विस रहता है और रूम भी बहुत अच्छा कंडीशन में रहता है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन अगर आप प्राइवेसी चाहते हैं, आप इस अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहते हैं, आप कंफर्ट चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है। देखिए जो चौथा ऑप्शन है जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है वो है आप सोशल मीडिया या कोई भी ग्रुप जहाँ यूनिवर्सिटी के लोग रहते हैं और पहले से स्टूडेंट्स लोग वहाँ पे ज्वाइन है, तो आप वहाँ पे आप भी ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे आप पता करें कि रूम का सीन क्या है, रेंट क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है, और आप कोई अपने जिसके पास ऑलरेडी एकोमोडेशन उनसे बात कर ले कि भाई मुझे 10 दिन के लिए या 20 दिन के लिए आपके रूम पे रहना, आप शेयरिंग करोगे या नहीं करोगे या कितना लोगे, सब चीज़ आप बात कर ले, और उस हिसाब से आप यहाँ पे एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं उनसे भी आप। लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा कि पैसे मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कितना भी मजबूर करे, आप पैसे मत देना। ये ऑप्शन सबसे अच्छा है जो पैसा बचाना चाहते हैं उनके लिए, सबसे अच्छा चीज़ है कि आप पहले से यहाँ किसी से जो आपका यूनिवर्सिटी का ग्रुप है, जैसे फेसबुक पे मेरा ग्रुप था तो मैंने वहाँ पे ट्राई किया था, एक जगह रूम मिला था लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव बता रहा था, शेयरिंग पे था तो मैंने फिर मना कर दिया। तो आप इस तरह से देख सकते हो। और जो पांचवा आपके पास जो ऑप्शन है वो है प्राइवेट, यहाँ पे प्राइवेट जो एजेंट रहते हैं वहाँ पे वो लोग भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं एकोमोडेशन। मैं आपको ऐप बता देता हूँ, और मैंने भी इसी के थ्रू से बुक किया था। स्पेयर रूम है आपका, गम ट्री है आपका, फिर से राइट मूव है, बहुत सारे एप्लीकेशन है जो एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, तो मैं आपको सब एप्लीकेशन बता देता हूँ, आप वहाँ पे सर्च कर लेना है कैसे कैसे मिलता है। और इसमें क्या होता है ना, आपको वो लोग बोलेंगे गारंटर देने के लिए, लेकिन आपके पास वो गारंटर होगा नहीं, और होगा भी तो शायद कोई गारंटर बनेगा नहीं, तो आप इस सीन में क्या कीजिएगा ना, आप उनके बैंक में ही ट्रांसफ़र करना, और पहले उनका सब चीज़ देख लेना, वेबसाइट देख लेना, जीमेल देख लेना, आप गूगल पे उनका रिव्यू देख लेना, ऑफिस कहाँ पे है, तभी आप पेमेंट करना, वरना मत करना, आपके साथ स्कैम भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। और बैंक ट्रांसफ़र करना, अपने ही कार्ड से ट्रांसफ़र करना। और जो छठा है वो सबसे कन्वीनियंट भी बोल भी सकते हैं या नहीं भी बोल सकते हैं, ये मैटर करता है आपके ऊपर, जो है वो आप इंडिया से या जो भी कंट्री से आप आ रहे हैं पहले से आप यहाँ पे हॉस्टल बुक कर ले, हॉस्टल आपको चीप रेट में मिल जाता है। और एयर बी एन बी बोल के एक एप्लीकेशन, वहाँ पे आप अपने जितने दिन भी स्टे करना है उस हिसाब से आप बुक कर ले, और उसके बाद क्या है ना, यहाँ पे आके आप लोकली
आप सर्च करें कहाँ पे एकोमोडेशन कैसा है या आपको कैसा रिक्वायरमेंट है, आपका बजट क्या है। आप लोकली घूमें, बात करें, स्टूडेंट से मिले, यूनिवर्सिटी आए और सबसे पूछे, आपको जहाँ पे अच्छा लगता है वो आपको मिल जाएगा। और बहुत ही इजी है और सिंपल है। ऐसे मेरे एक दोस्त है इब्राहिम, वो मोरक्को से, वो इसी तरह से रूम खोजा था और उसको सस्ता ही मिल गया, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं रेट का और रूम टाइप्स का। देखिए यहाँ पे रूम का तीन चार कंडीशन है। सबसे पहला आपका जो होता है वो है फ्लैट। फ्लैट में आपका जैसे आपके कंट्री में होता है फ्लैट, वॉशरूम, टॉयलेट सब होता है, दूसरा से होता है। दूसरा जो है स्टूडियो, स्टूडियो में आपका वही फ्लैट ही समझ लीजिए, उसको भी फ्लैट स्टूडियो यहाँ पे बोलते हैं। यहाँ पे आपको किचन, बाथरूम सब आपके एक रूम पे रहेगा। और दूसरा जो है इनशूट है, इनशूट में आपका अटैच वॉशरूम रहता है और उसके साथ एक ऑप्शन है किचन का भी, वो भी आपके साथ अटैच रहेगा। तो वो डिपेंड करता है आप किस प्राइसिंग रेंज में ले रहे हैं। और जो तीसरा है वो है आपका प्राइवेट। प्राइवेट में आपका रूम पर्सनल रहेगा या शेयरिंग रहेगा रूम, और उसमें आप या तो किचन, वॉशरूम ये सब शेयरिंग रहेगा, बस आपका रूम पर्सनल रहेगा। और कहीं कहीं पे क्या होता है ना कि लोग फ्लैट ले लेते हैं और उसमें क्या है ना, तीन चार अपना दोस्त रहा, तो वो भी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उसमें आपका पैसा ज़्यादा सेविंग हो जाता है। पैसे की बात करते हैं तो देखिए सबसे मिनिमम आपको 150 तक मिल जाएगा। उसमें क्या कंडीशन है, जैसे आपने फ्लैट लिया उसमें आपने 1000 रुपये देना है, 1000 पाउंड में, 1000 पाउंड बोलूँगा, 1000 पाउंड देना है। उसमें आप 4 रहो 5 रहो, आप अपने लैंडलॉर्ड से बात कर लो, समझे, या क्या कॉन्ट्रैक्ट आपके बनता है तो उसमें आप डिवाइड करके रहो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। और जो मैक्सिमम तो नहीं बोल सकता हूँ, जो एवरेज है, एवरेज आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, 400-500 में बहुत अच्छा आपको हर चीज़ मिल जाएगा। और मैं यही बोलूँगा कि आप अपने फोकस करो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपके लिए सेविंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपके लिए जॉब इंपॉर्टेंट है, या आपके लिए ट्रैवलिंग करना इजी है, क्या है वो आप अपने डिसाइड करें। उस हिसाब से आपको रूम 200 में 250 में चीप रेट में अच्छा मिल जाएगा। और मैनचेस्टर हुआ, लिवरपूल हुआ, बर्मिंघम हुआ, ये सब जगह आपको मेन सिटी में भी आपको 200-250 में आपको मिल जाएगा। उसमें ज़्यादा कंडीशन यही है कि आपको रूम अपने दोस्त के साथ शेयर करना पड़ेगा, या हो सकता है आपको फ्लैट में रहना पड़े जिसमें 3-4 आदमी हो, तो ये सब कंडीशन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब आपको पॉसिबल भी मैं बता पाया हूँ, और होप कि आपको इतना ऑप्शन से आपको इजीली एकोमोडेशन मिल जाएगा। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन बिजनेस, जॉब, स्टडी, फूड, ट्रैवलिंग एंड मोर थिंग। थैंक यू अगेन एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग योर एकोमोडेशन यू कैन कमेंट बिलो। बाय बाय, सी यू।